नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट केसरी। मैं हूं आपके साथ प्रवीण यादव। वेस्टइंडीज दौरे से पहले टीम इंडिया को एक बड़ा झटका लगा है। टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज केएल राहुल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जी हां, चोट से उभर चुके राहुल अब कोरोना संक्रमित हो गए हैं, वो भी ठीक वेस्टइंडीज दौरे से पहले। भारत को शिखर धवन की कप्तानी में वेस्टइंडीज के खिलाफ 22 जुलाई से 3 वनडे मैच की सीरीज खेलनी है। फिर उसके बाद रोहित शर्मा की कप्तानी में 29 जुलाई से 5 T20 मैच की सीरीज भी खेलनी है। केएल राहुल अभी इसी महीने सर्जरी कराकर जर्मनी से भारत वापस लौटे थे और NCA में रिहैबिलिटेशन से गुजर रहे थे। अभी एक दो दिन पहले राहुल को नेट पर प्रैक्टिस करते हुए भी देखा गया था। आपको बता दें, केएल राहुल चोट के कारण IPL के बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 T20 मैच की सीरीज के कप्तान थे, लेकिन चोट के कारण वह इस सीरीज में हिस्सा नहीं ले पाए थे। इसके बाद केएल राहुल सर्जरी के लिए जर्मनी गए। ऐसे में एक और दौरे से पहले राहुल का अनफिट होना उनके लिए काफ़ी दिक्कत वाली बात है। क्योंकि कोविड पॉजिटिव हैं तो राहुल को कम से कम 8 दिन लगेंगे ठीक होने में। ऐसे में वो टीम इंडिया के साथ वेस्टइंडीज़ के लिए ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। हालांकि वो आखिरी के 2 T20 मैच तक फिट हो सकते हैं और फिर टीम के साथ जुड़ सकते हैं। इस साल राहुल चोट से काफ़ी परेशान रहे हैं। केएल राहुल इंजरी के कारण साउथ अफ्रीका सीरीज, इंग्लैंड सीरीज और उसके बाद आयरलैंड सीरीज भी मिस कर चुके हैं और अब कोरोना के कारण वेस्टइंडीज के खिलाफ भी उनका खेलना मुश्किल है। वहीं इस दौरे पर भारत के वनडे टीम के उप कप्तान रविंद्र जडेजा का वनडे मैचों में खेलना संदिग्ध माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जडेजा को घुटने में चोट है, जिसके कारण वो वनडे सीरीज से बाहर हो सकते हैं। वेस्टइंडीज दौरे पर वनडे टीम और T20 टीम के सीनियर प्लेयरों को भी आराम दिया गया है, जिसमें विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी को पूरे दौरे से आराम दिया गया है। वहीं रोहित शर्मा को केवल वनडे सीरीज से। रोहित शर्मा T20 में कप्तानी करते हुए भी दिखेंगे। क्रिकेट से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए क्रिकेट केसरी।